रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है और आज की इस वीडियो में आप जो स्क्रीन पर एक लोगो देख रहे हैं वो मैं करना सिखाऊंगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक आर्टबोर्ड बना लेना है। आर्टबोर्ड बनाने के बाद आप एलएस टूल लें, इसकी मदद से एक सर्कल ड्रा करें। इसका जो स्ट्रोक है नन कर दें आप। स्ट्रोक नन करने के बाद आपने इसका कलर चेंज कर लेना है। मैं वाइट इसका कलर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास वाइट आ चुका है। अब आपने एक और सर्कल बना लेना है, वो इससे थोड़ा सा छोटा बना लें, कुछ इस तरह से। ये वाला सर्कल मैंने बनाया, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से। अब इसको उठा के ड्रैग करना है इसके ऊपर, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे आप जहाँ ड्रैग करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। इसका साइज थोड़ा सा कम कर लें। ये इस तरह से। इस सर्कल के बाद आपने एक और सर्कल ड्रा करना है। मैंने ड्रा किया, इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो ये काम करने के बाद आपने इस वाले को सिलेक्ट करना है। इनको, इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है, इस वाले को सिलेक्ट करना है। एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद इसकी कॉपी लें, फिर एडिट पे जाएं और यहाँ से इसको पेस्ट इन फ्रंट कर दें। अब इस वाले को सिलेक्ट करें, फिर इस वाले को और फिर इस वाले को सिलेक्ट करें। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आपने पाथफाइंडर पे जाना है। पाथफाइंडर पे जाने के बाद माइनस फ्रंट पर क्लिक कर देना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शक्ल आएगी, आपको नज़र आएगी शेप। तो इन सबको सिलेक्ट करें और अनग्रुप कर दें। इस वाले को सिलेक्ट किया मैंने, अनग्रुप कर दिया। तो इस वाले हिस्से को अलहदा किया और इसको डिलीट कर दें डेल प्रेस करके। अब हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आएगी, ये देख सकते हैं आप। इसको एडजस्ट कर लें थोड़ी सी, बल्कि इनको सेलेक्ट करें और यहाँ से इनका जो स्ट्रोक है वो नन कर दें। ये कुछ इस तरह से। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से इस वाले हिस्से को सिलेक्ट करें और इसको एडजस्ट कर लें कुछ यू। तो देखें ये हमारे पास कुछ ये शेप आ रही है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी कर दें। कंट्रोल जी मतलब कि ये ग्रुप में हो चुके हैं, एक फाइल बन चुकी है, आप देख सकते हैं ये सब। इसके बाद आपने इसकी एक इसकी कॉपीज लेनी है, तीन कॉपीज ले लें। रोटेट पे जाएं, यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस पे लगा रहा हूँ चेक मार्क। और ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास कॉपी है, ये मैं एक कॉपी ले रहा हूँ। अब इस कॉपी को यहाँ से पकड़ें और इस तरह से लेके आ जाएं, एडजस्ट करना है थोड़ा सा इसको। अब इस वाले हिस्से की कॉपी कंट्रोल वैसे ही रोटेट टूल, या फिर आप इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल डी कर सकते हो। ये मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो अब इसमें थोड़ा सा कलर करते हैं। पहले इस वाले को इससे को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से आईड्रॉपर लिया, ये मैंने ग्रेडियंट लिया। अगर आपको इसी तरह की ग्रेडियंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले हिस्से को सिलेक्ट किया मैंने, ये ग्रेडियंट ले लिया, रीप्रेस किया और मैं इस वाले हिस्से को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ फिर अब मैंने टेक्स्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस वाले हिस्से को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया फिर, और इस वाले को ये कलर कर दिया। गेन मैं फिर रीप्रेस कर रहा हूँ, इस वाले हिस्से को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर की मदद से ये मैंने करा। अगर आप चाह रहे हैं कि इनमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रहे हैं आप मजीद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लोगो अच्छा लगा हो, आप इसको ईजीली बना सकते हो। अगर आप इसको इजीली बना सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।